हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसीज़ आउट की गई हैं और काफ़ी संख्या में वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दो वैकेंसी ही निकलती है। उससे क्या है, कैंडिडेट्स पीछे हट जाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए। और यहाँ पर तो वैकेंसीज़ भी काफ़ी संख्या में है। और क्या सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलते हैं वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन, जानते हैं कि क्या इसकी लास्ट डेट है और क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचिंग, नॉन टीचिंग, पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स की इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलते हैं और चेक करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। और सबसे मेन बात है हमारे चैनल की, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी फेक टाइप की न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। कई बार क्या होता है कि फेक जो है वैकेंसीज़ डाल दी जाती है, तो फिर उससे कैंडिडेट्स जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि फ़िल करे या ना करे। लेकिन ये हमने जो है साइट से ही डाउनलोड किया है और वहीं से आपको ये नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं, तो फेक टाइप की न्यूज़ नहीं है। देखो, पोस्ट नेम यहाँ पे मेंशन है। हम अलग अलग देखेंगे कि क्या कुछ इसका जो है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, इसकी जो पोस्ट है टोटल 5 है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। और जो सैलरी है यहाँ पर और फैसिलिटीज़ मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो देखो, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, और इलेक्ट्रिन कम प्लम्बर। देखो, पोस्ट कोड भी मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देखेंगे। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देखो सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि पोस्ट कोड 1 है। पे स्केल रहेगा 78,800 से 2,92,000 तक, अप टू 45 ईयर्स एज लिमिट है। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल इन द पे मैट्रिक्स विद इन एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, रिसर्च वर्क इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और उसके साथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। उसके बाद है 4 असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी जो है 67,700 है। पे स्केल सभी का काफ़ी अच्छा है, 45 एज लिमिट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, और होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, पासिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स की 3 वैकेंसीज़ है। एज लिमिट 35 ईयर्स है, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और ग्रेड A डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, इसका लेवल 6 है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर को चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। डिज़ायरेबल है भाई, एक्सपीरियंस है तो बेटर है, वो तो हर एक फील्ड में होता है। ऑडिट असिस्टेंट बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीकॉम होनी चाहिए और डिज़ायरेबल है। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स, वर्क इन ए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो असेंशियल नहीं है, कोई भी कॉमर्स कैंडिडेट्स जिसने बीकॉम कर रखी है वो इसको फिल कर सकता है। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक, 32 एज लिमिट है, और उसकी कितनी थी एज लिमिट, 30 ईयर्स। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट ए डिग्री लेवल। उसके बाद है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, इसमें भी आपकी जो है 29,200 है। आप टू एज लिमिट 35 ईयर्स है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर लेवल 4 25,500 है। एज लिमिट 27 ईयर्स है। देखो इनमें एज का रिलैक्सेशन भी है, वो बाद में देखेंगे कि किस में कितनी एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में दी गई है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4, एज लिमिट 80 to 30, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और स्किल इन वर्ल्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विद ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कैटरिंग असिस्टेंट, सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th पास होने चाहिए आपके पास, 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2, एज लिमिट 80 to 27 ईयर्स, आपकी 12th होनी चाहिए और जो है मिनिमम स्पीड जो आपकी वर्ड टाइप राइटिंग होनी चाहिए 32, इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के 25 मिनट पर वर्ड पर मिनट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसकी 18 to 27 ईयर्स है। 19,900 पे इसका बनेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th और उसके साथ साथ आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 10th और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट 18 to 30 ईयर्स, 10th पास होनी चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्निक्स या फिर 12th आपकी साइंस से होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम से अगर आपकी 12th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स हेल्पर 18 to 13, 10th पास होनी चाहिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, पास ऑफ ए स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NVS। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th होनी चाहिए आपके पास, 18 to 13 ईयर्स एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिबल हैं उनको 5 ईयर्स का, बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स का और तो यहाँ पर आप देख लेना कि किस कैटेगरी में आते हो। जैसे पर्सन डिसेबल पर्सन है SC ST का तो 15 ईयर्स का, OBC का 13 ईयर्स का और जर्नल का है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये जो है फुल डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की 1500, फीमेल स्टाफ नर्स की 1200 और बाकी जो पोस्ट है उनकी 1000। और ये आप यहाँ पे देख लेना कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेंशन है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 12 जनवरी से, क्लोज हो जाएंगे 10 फरवरी तो लास्ट डेट जो है 10 फरवरी है। फीस डिपॉजिट्स ओपन 12 जनवरी, फीस क्लोज 10 फरवरी। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर आप इसका लिंक चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती है। थैंक यू सो मच।